निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। वार्ड नंबर 52 रामगढ़ रोड पर पुराना थाना टूटने के बाद प्राथमिक विद्यालय और एक दर्जन घरों में जाता है पानी। स्कूल व घरों के फर्श बैठने के साथ मकान में आ गई है दरारें। कभी भी हो सकता है हादसा। इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद इमरान मंसूरी द्वारा लगातार नगर निगम अधिकारियों से की जा रही है। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हादसा होने पर जागते हैं अधिकारी। पार्षद इमरान मंसूरी का कहना है कि कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अच्छा, खतरा लगता है कुछ? और इतना खतरा घर करने आकर रह रहे हो, दूसरी बात पानी भर जाता है, कुछ का हो ही नहीं रहा उसमें। अच्छा, रामगढ़ पुराना थाना फिरोजाबाद में सरकारी स्कूल और थाने में जो तोड़ कर डाल दिया गया है उसमें से पानी घुस के हमारे घरों में आ रहा है, जिससे दीवारों पर काफी नुकसान हो रहा है। कई बार बैठ बैठ जा रही है। अगर बच्चों को नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? किस साल से है? आप इसमें भराव करवाए, दीवार लगवाए, कितनी साल से? जब से थाना तोड़ दिया गया, जब से हमें परेशानी परेशानी है। कितनी साल हो गए? 3 साल करीब तो हो ही गयी। अच्छा, क्या बार संभलवाए, कितनी बार मजदूर इंसान है, हम लोग कहाँ से पैसा लाए इतना? जब से ये थाना टूटा है मेरे कमरे में पानी भरा रहता है, नीचे तहखाने में, पूरे मकान दीवार चारों तरफ से दरार दे रही है। ये गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी कोई ना कोई परेशानी बनती रहती है, हर वक्त जब चाहे जब बैठ जाता है, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान आता ही रहता है। कई बार सही करवा चुकी मैं और फिर भी यही दिक्कत आती रहती है। हाँ, इसकी शिकायत की जा रही है। मैंने बीएसए महोदय से भी शिकायत की थी, उनको भी मतलब और जल निगम को भी लेटर लिखे गए है, लेकिन पश्चिमी विद्यालय में पानी भर जाता है। जब तक यानी की जो थाना टूटा है, जब से ऐसे ही पड़ा है, उसकी बाउंड्री पर प्लास्टर भी कराया, फिर भी नीचे से पानी निकल निकल के स्कूल में भर जाता है। स्कूल में जब भरता पानी और थाने में भरता है तो ये मकानों में पानी आ जाता है। जब उसको जगह नहीं मिलती है, उसको पानी निकालने के लिए कई बार प्रयास किया गया, पानी निकलता नहीं है, फिर बारिश हो जाती है, फिर वहीं की वहीं जगह हो जाती है। ये रामगढ़ रोड वार्ड नंबर 52 पुराना थाना रामगढ़ और प्राथमिक विद्यालय स्कूल में होके करीब 13-14 मकानों में पानी आता है, जिसकी शिकायत नगर निगम अधिकारियों से लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। ना ही नाले की दीवार ऊंची की गई, ना ही पुराने थाने में मिट्टी का भराव किया गया। आज मकानों की स्थिति यह है, पूरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और फर्शी भी बैठ चुके हैं, तहखानों पानी भर चुके हैं। ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और जिला अधिकारी महोदय की होगी, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों को हर बरसात के समय बताया जाता है इस पुराने थाने के अंदर भराव कराया जाए या रामगढ़ रोड के नाले पर निर्माण कराया जाए, लेकिन उसको कोई आज तक कार्य नहीं किया गया। ये सभी लोग इकट्ठा होकर जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुंचेंगे, जब तक वहाँ बैठे रहेंगे, जब तक ये कार का आश्वासन कराने का नहीं दिया जाएगा।